गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों आप लोगों के पास अटेंडेंस वाला वो आ गया लिंक? नो मैम, नो मैम। तो अटेंडेंस कहाँ पे लगा रहे हो? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में पढ़ा था, राइट? यस मैम, यस मैम, यस मैम। हम लोगों ने क्या देखा था कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? अपो पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड्स होगी, है ना, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। यही हम लोगों ने देखा था। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ डायग्राम्स मैंने रखे हुए। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकंड। यस मैम, दिख रही है मैम। स्क्रीन तो प्रेजेंटेबल है। यस मैम, मैम मेरे नेटवर्क इश्यू हो रहा है लगता है, क्योंकि आज सवेरे से मेरा नेट ढंग से नहीं चल रहा था। देखो बच्चों, ये एक बार खुद एक बार अपने एंड से चेक कर लिया करो कि तुम्हारे कनेक्शन में इशू है या मेरे में, क्योंकि मेरे को ना फिर वापस से देखना पड़ता है तो क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके नंदिनी? ओके मैम, इट्स ओके। चलिए अब आपको दिख रही है स्क्रीन? देखो यस मैम, यहाँ पे क्या रखा है कि एक पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पे है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे ये जो चार्ज मैंने लिए हैं इनका मैग्नीट्यूड मैंने लिया है इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड है बराबर।
अब देखो पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। यहाँ पे तुम देखो जो ये वाला स्पेस है दिस स्पेस, यहाँ पे आपको फील्ड लाइंस देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यस, रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे बीचों बीच यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा, यानी यहाँ पे इनके कहीं ना कहीं बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? जीरो है। देख रही हो ना? हाँ, अगर ये मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो आपको जो ई नेट जीरो मिलेगा वो बच्चों कहाँ मिल जाएगा? बीच में। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस के क्या है? बराबर है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अभी कर लो, इसको लिख लो नोटबुक में, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगी इस पे, तो आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ई जीरो कहाँ मिल जाएगा आपको? बीचों बीच, करेक्ट। अब देखो अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड बच्चों डिफरेंट हो, मान लो ये हो क्यू, अगर इसको मान लेते हैं 5q, अब आपसे बोला जाए कि कहीं आप ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो। ठीक है, तो देखो आपको अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो फील्ड की जीरो उनके बीचों बीच कहीं ना कहीं जीरो मिलेगी। ठीक है, ये नोटेड है इस डायग्राम से? तो ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ, अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो बीच में मिल जाएगी, और अगर ऐसे जैसे ये क्यू और ये 5q, तो वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वो क्लोजर होगा बिग चार्ज के। ठीक है, इट इज क्लोजर टू द बिग चार्ज। अब देखिए नेगेटिव के लिए, नेगेटिव में भी अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, ये माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू, इनके बीच में भी कहीं ना कहीं ये दो चार्जेस हैं, अगर इनका लाइन ज्वाइनिंग हम लोग कराते हैं तो इनके बीचों बीच भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट पे क्या होने वाली है? जीरो। जीरो है ना, दिख रहा है स्पेस में कि यहाँ पे कहीं पे भी फील्ड नहीं दिख रही आपको, राइट? यहाँ पे कहीं भी फील्ड नहीं दिख रही, तो ऐसा पॉइंट देखो यहीं पे है जहाँ पे क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएंगे तो क्या होगा? किसी एक पॉइंट चार्ज के क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। ये समझ में आया? अब अच्छा, यस मैम। यस मैम। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है अगर क्वेश्चन में, कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं कहूं कि फाइंड अ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो। देखो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कहीं पे फील्ड जीरो है? नो मैम। नो मैम। यस करेक्ट। तो जब आपके पास दो चार्जेस ऐसे हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो आपको फील्ड की जीरो, फील्ड की वैल्यू जीरो कभी भी उन दोनों के बीच में नहीं मिलेगी। ठीक है, yes, okay, ma'am. फिर कहाँ मिलेगी आपको? कोई भी पॉइंट बाहर लेट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कि मान लो कि ये पॉइंट मैंने पॉजिटिव के लेफ्ट में लिया और ये यहाँ से एक्स दूरी पे है, तो आप लेट करोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। फिर आप प्लस वाले चार्जेस की वजह से निकालोगे, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? देखो यहाँ पे नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से डायरेक्शन कहाँ होगी बच्चों? यहाँ पे। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है कि एक तो इधर डायरेक्शन हो और एक इधर डायरेक्शन, तभी जीरो, क्योंकि तभी तो वो बैलेंस करके क्या कर देगा, ई की वैल्यू को जीरो कर देगा। करेक्ट और नॉट करेक्ट? यस मैम। हाँ, तो इसीलिए इस केसेस में जो आपको ई नेट की वैल्यू जीरो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? आउटसाइड बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, आउटसाइड टू चार्जेस। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक और चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये समझ में आ गया? यस यस मैम। इसके बीचों बीच में क्यों नहीं होगी? देखो इसके बीचों बीच में क्यों नहीं होगी, मान लो यहाँ पे कोई, यहाँ पे इसकी लाइन ज्वाइनिंग पे यहाँ पे कोई चार्ज है, मतलब अब कोई पॉइंट ले लो चार्ज में, मतलब प्लस वाला, देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी मान लो E1। ठीक है, नेगेटिव की वजह से क्या होगी? इनवर्ड्स, यानी इसी डायरेक्शन में E2। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। तो जहां पे ऐड होंगी वहां पे तो फील्ड जीरो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि देखो पॉजिटिव वाले की वजह से आउटवर्ड्स हुई, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, तो बट दोनों की डायरेक्शंस क्या हो गई? सेम हो गई। तो इस वजह से इनके बीचों बीच कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलेगी यहाँ पे, ई डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। चलिए अब मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आया है। यस मैम। हां जी मैम। हाँ जी हाँ जी मैम। जीरो कहाँ पे होगी? बीचों बीच नहीं होगी, अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो बीच में कभी भी नहीं होगी।
आपको कोई पॉइंट लेट करना होगा कि पॉजिटिव चार्ज के आप थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस दूरी पे चले गए। देखो यहाँ पे मैंने फोर्स बनाए हैं पॉजिटिव के बाहर, अगर आप ये एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लोगे तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर हो गई, मान लो E1, है ना, नेगेटिव की वजह से वो इधर होगी E2। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बैलेंस होने के चांसेस हैं कि दोनों एक पॉइंट पे बैलेंस हो गई और E-net आपकी कितनी आ गई, E-net आ गया 0, तो वो बाहर मिलेगा आउटसाइड द चार्जेस। तो वो क्वेश्चन करिए तब समझ आएगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये PYQ है 2024 का। पता नहीं ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रही हूँ क्लास को फोन से। अच्छा मेरी शक्ल तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, मैं पूरी डार्क में बैठा हूँ। यस मैम, मैम आज नेटवर्क नहीं आ रही। मैं आज लाइट अपोजिट डायरेक्शन में बैठ गई लाइट के, लाइट इधर है, कोई बात नहीं, अब क्या करें, मेरे ध्यान ही नहीं रही। स्क्रीन भी नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन तो दिख रही है मैम, दिख रही है, दोनों चीज दिख रही है। मैम मेरा नेटवर्क इश्यू हो रहा है इसलिए मुझे स्क्रीन भी नहीं दिख रही, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ रिकॉर्डिंग करवा देना प्लीज। एक बार क्या नाम है, एक बार नाम लिख दो अपना, मैं चैट बॉक्स में, मुझे याद रहेगा, और अपनी वो भी स्टूडेंट आईडी भी, या फिर ग्रुप में जाके आकांक्षा मैम को खुद से मैसेज कर देना, डोंट वरी। आंसर कितना आया, किसी का आया? दो मिनट मैम, आंसर आना चाहिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। माधव करो भाई, माधव सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, माधव सॉल्व, दिस इज माय प्रॉब्लम। लाइटली लेना जोक्स को, दिल पे मत ले जाना। देखो क्वेश्चन समझो क्या है, मेरा काम क्वेश्चन समझाना है, तुम्हारा आंसर को लेके आना। चार्ज क्यू बच्चों यहाँ पे है, 3Q चार्ज यहाँ पे है, दोनों आर डिस्टेंस की दूरी पे रखे हुए हैं, एक किसी डिस्टेंस एक्स पे चार्ज क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी आर माइनस एक्स। आपको इस एक्स की वैल्यू ABCD से बताओ भाई, इस पॉइंट पे क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, किसकी वजह से, क्यू की वजह से और 3Q की वजह से। और जीरो का मतलब क्या है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, ई क्यू की वजह से, ई 3Q की वजह से बराबर होने वाली है, करेक्ट। कैसे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा भाई, इधर अवे, यानी ये हुई ई क्यू, ये प्लस 3Q चार्ज है भाई, ये भी कहाँ लगाएगा, अवे, अपने से अवे, इधर क्या हुई ई 3Q, है ना भाई। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मतलब दोनों फील्ड्स बराबर हो गई है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से क्या होगी, KQ/x2, इसकी वजह से K3Q, ये वाला डिस्टेंस इस पॉइंट से यहाँ तक का R-x2, ठीक है। अब सॉल्व करिए, डी 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 वाले ने क्या कर लिया,
नहीं ऑप्शन डी नहीं है भाई, डी वालों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। यस सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए भाई डी वालों, प्रियांशी देखो क्या एरर किया है। देखो के इससे के क्यू ये कट गया, ठीक है। अब देखिए इन वाले क्वेश्चंस को जब भी ये स्क्वायर की टर्म्स हो तो क्या करो, जो ये नीचे वाले एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल्स हैं इन्हें एक तरफ ले जाओ, जैसे कि वन इक्वल्स टू यहाँ तक थ्री और यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर बाय आर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करो, उसके बाद जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर हो कोई भी उसको यहाँ पे ले आओ अपॉन में, यानी वन बाय थ्री इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय आर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, दोनों के ऊपर पावर स्क्वायर में है, तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करूंगी कि वन बाय रूट थ्री यानी इसका भी होल स्क्वायर ले लू, इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा वन बाय थ्री, इसका देखो इसका भी होल स्क्वायर ले लो आर स्क्वायर आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैन क्या कर दिया हमने, तो है स्क्वायरिंग कर रही हूं ना मैम। हाँ तो प्लस माइनस का कह रहे हो क्या, स्क्वायर करा है ना, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग नहीं करा, ये थ्री था इसको क्या कर दिया रूट थ्री लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, और ये क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका क्या कर लिया एक्स बाय आर माइनस एक्स और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, क्या किसको परेशानी है, तो क्या लिख लो प्लस माइनस, ठीक है। ये वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वो किया नहीं है, डायरेक्ट ही तो स्क्वायर ही तो लिखा है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स, तो आर इक्वल्स टू कितना आया एक्स रूट थ्री एक्स, ये वाला एक्स यहाँ प्लस में चला गया। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, हाँ एक्स की तो वैल्यू निकालनी है। यस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू मैम, यहाँ पर मैम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे एक्स, हाँ वेरी गुड, आर इक्वल्स टू कॉमन ले लो एक्स, यहाँ बचा रूट थ्री प्लस वन, तो बस एक्स किसके बराबर हो गया यहाँ से एक्स इक्वल्स टू आर बाय वन प्लस रूट, ठीक है भाई। तो डी वालों कहीं ना कहीं छोटी एरर हो गई है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए सब सही है, माधव को क्या दिक्कत है, माधव बोलिए। मैम आपने एक्स क्यू डी के और क्यू के बीच में लिया, तो मैंने एक्स ना आउटसाइड ले लिया था क्यू के, तो मैम मैंने क्या गलती कर दी थी, मतलब क्या आपको कैसे पता चला कि बीच में लेना है इनके, बीच में लेना है मुझे कैसे पता चला। यस मैम मैं तो आउटसाइड ले लिया था, नहीं तो मैंने स्टार्टिंग के 10 मिनट जो स्टार्टिंग के 10 मिनट मैंने जो यहां इन्वेस्ट करे हैं तब कान बंद कर लिए थे। नो मैम कोई बात नहीं, तो देखो दोबारा समझाते हैं, देखो मैं बताती हूँ, देखो ध्यान से सुनो सब बच्चे देख लो भाई एक बार, ये पता है मुझे बहुत बच्चों को मिस्टेक आती है, माधव अकेला नहीं है बहुत बच्चे, जब मैं भी बच्ची थी तुम्हारी क्लास में तब मुझसे तो होते ही नहीं थे, तुम लोगों को तो फिर भी कुछ आता है। देखो मुझे कैसे पता चला माधव, देखो ये क्यू है और ये क्या है थ्री क्यू, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है माधव पहले ये बताइए, ऐसे पॉइंट में जहां पे क्या जीरो हो जाए, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी माधव बताओ, ई नेट है ना ये ई नेट क्या हो जाए जीरो हो जाए, जीरो हाँ करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा पॉइंट, मान लो यहाँ पे अगर बच्चे तुमने कोई पॉइंट लिया, ठीक है पी पॉइंट, अब तुम देखो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पता नहीं मैम क्यों लिख रहा है ना नेगेटिव होता तो आगे नेगेटिव ही पॉजिटिव, फिर तुम्हें चार्ज नहीं पता ना तुमने इसलिए शायद गलती कर दी। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके आगे जिस चार्ज के आगे कोई साइन ना हो तो समझ लो वो पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव साइन उस पे बना हुआ आएगा, ठीक है माधव। तो इधर क्यू है ये थ्री क्यू, दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस, ओके। तो अब ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताई है हमेशा कहाँ होगी अवे फ्रॉम द चार्ज,
चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज है, ठीक है इधर मैम समझ गया। ओके थ्री क्यू की वजह से भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इस पॉइंट पे अवे होगी, तो थ्री क्यू कहाँ जाएगा, इधर होगी, तो मतलब मुझे इन दोनों के बीच में ही वो पॉइंट मिल जाएगा, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक करो, काम करो, अपने नोट्स में लिखो, अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, मतलब लाइक चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बीच में मिलेगा, अपोजिट चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बाहर मिलेगा, और भी कुछ नहीं। तो ये डायग्राम विजुअल्स तो याद रहते हैं ना, ये विजुअल्स याद रखो कि देखो ये डायग्राम, देखो ये डायग्राम, दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, बीच में फील्ड स्पेस खाली है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये दोनों सेम चार्जेस हैं, बीच में स्पेस खाली है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बीचो बीच में, यहाँ दोनों चार्जेस अपोजिट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड भरी हुई है, मतलब बाहर मिलेगा, तब बाहर लेना है, ठीक है। यस ओके मैम, इतना बेसिक से जाने की जगह सीधा नल पॉइंट का नहीं लगा सकते थे रिलेशन? कौन सा रिलेशन मैम? नल पॉइंट का होता है ना डी अपॉन में अंडर रूट, डी अपॉन में अंडर रूट एन प्लस वन। नहीं, तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, या तुम्हें नल पॉइंट और ये सब पढ़ना है? मैम नल पॉइंट का भी तो होता है कॉन्सेप्ट। अच्छा नहीं, देखो फिजिक्स का बेसिक तो यही कहता है, ठीक है, नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट होगा, किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, बट मेन कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो यही है, ठीक है। तो अब आप ये वाला क्वेश्चन करो, चलो। हाँ अमरजीत बोलिए। मैम जो पॉइंट माना था मैम बीच में, मैम उस पे भी तो मैम डिपेंड करेगा, वो पॉजिटिव होगा तो मैम किधर की साइड मैम जीरो लेना, वो चार्ज नहीं लिया, वो इलेक्ट्रिक, अभी तुम कूलम्स लॉ पे ही हो अटके हुए, ये पॉइंट लिया है मैंने, यहाँ इस पॉइंट पे चार्ज नहीं है, तो मैम ठीक है, तुम कूलम्स लॉ पे अटके हुए कि यहाँ पे कोई अगर क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज नहीं है, यहाँ पे वो पॉइंट है बस, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस निकालनी है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस निकालो, क्यू और थ्री क्यू की वजह से, वहां तो चार्ज गिवन ही नहीं है ना। yes, जब चार्ज गिवन हो तब देखना, अभी फालतू क्यों दिमाग लगाना है, जब चार्ज वहां पे दिया ही नहीं, पॉइंट है, पॉइंट पे लगाओ, जब चार्ज होगा तब, उसके लिए भी एक क्वेश्चन है, तब वहां पे मैं बताऊंगी उस केसेस में क्या करना है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए अब ये वाला सवाल करिए, हाँ जिस जिसको देखो, आज मैं ग्रुप में ऐड हो गई हूँ, तो सारी पीपीटी जो है सब मिल जाएंगी, टेंशन मत लो। मैम पीपीटीज के लिए आप गूगल ड्राइव का लिंक ही दे देना, इजी रहता है एक्सेस करने के लिए। वो उसका मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है वो कहाँ पे मिलता है, मैं एक बार किसी से, आकांक्षा से या किसी से बात कर लूंगी, आई है I don't have any idea. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 4 सेंटीमीटर। नहीं, एक बार कैलकुलेट करते हैं, नहीं 4 तो नहीं है, देखो कैसे, बाकी एक बार कैलकुलेट करते हैं, हो सकता है यहाँ पे आंसर गलत हो। मैम 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड, जिसका 6 आया है नाइस, जिसका 4 आया है तो ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है बट ट्राई किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 10 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और 40 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ए पॉइंट प्लेस एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे है, एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड अ पॉइंट चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम बी प्लेस्ड सो दैट द इनेक्ट so that the net electric field is zero at x equals to 2 centimeter। देखो बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है, जो वर्डिंग्स है ना, देखो कितनी अजीब वर्डिंग्स है, खुद देखो क्या कह रहा है कि 10 माइक्रोकूलम का चार्ज जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है ओरिजिन पे। अब तुमसे क्या पूछा है, एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब किस लोकेशन पे 40 माइक्रोकूलम का चार्ज रखें जिसकी वजह से 10 माइक्रोकूलम वाले चार्ज के 2 सेंटीमीटर वाली दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ठीक है, ये पूछा है। तो मान लो ये वाला चार्ज हम
आर डिस्टेंस दूरी पे रखते हैं, जिसकी वजह से यहां से दो डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जीरो। तो ये वाले डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस एक्स, बस ये था इसमें। ठीक है, फिर से क्या करो, अब वही फॉर्मूला लगा दो, टेन की वजह से और फोर्टी की वजह से कितना हो गया, टेन के बाय टू स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्टी के बाय आर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, जो जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो, यहां बचा वन बाय फोर, यहां बचा फोर बाय आर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आर माइनस टू हो जाएगा ना, ये तो गिवन, टू तो गिवन ही है, तो आर माइनस एक्स भी करना, आर माइनस टू लिख दो डायरेक्ट। इसलिए गलत आ गया, क्या कर लिया था, टू माइनस आर, टू माइनस आर ले लिया, मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं इसके बीच में है, ऐसे कैसे हो जाता है, टू माइनस आर, देखो इन्हीं चीजों का ध्यान रखो, टू माइनस आर जिसने लिया है क्या गलती है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक्स से दो सेंटीमीटर की दूरी पे है चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो वहां से आप 40 कूलम चार्ज को कहां रखोगे, तो आपने पता क्या करा, मैं बताती हूँ, ये 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे आपने कहीं पे वो पॉइंट ले लिया जहां पे 40 माइक्रो कूलम चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां ढूंढ ली, बाहर ढूंढ ली, राइट, विच इज नॉट पॉसिबल, कहां होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इन दोनों चार्जेस के बीच में, तो ये तो मैंने, ये तो हम फर्स्ट पॉइंट से बता रहे हैं, तो बीच में कहीं पे वो पॉइंट होगा, तो दिस इज आर माइनस टू। तो चलिए सॉल्व करो, कितना हो गया, वन बाय सिक्सटीन इक्वल्स टू वन बाय आर माइनस टू, इसको होल स्केयर बना दो, ये भी कितना हो जाएगा, वन बाय फोर का होल स्केयर इक्वल्स टू वन बाय आर माइनस टू होल स्केयर, स्केयर से स्केयर कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फोर इक्वल्स टू आर माइनस टू और आर इक्वल्स टू सिक्स सेंटीमीटर। ठीक है, यस मैम, कैसा लगा सवाल, अच्छा था ना, बढ़िया, यस मैम, तो पी वाई क्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो अब तुम खुद देखो, जेई ने कोई अलग कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछा, राइट, जेई ने बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया, पर वहां पे ही बच्चे कंफ्यूज हो गए, टू माइनस आर आर माइनस टू, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये तो तुम्हारा चलो पहला क्वेश्चन था, बट जब यू आर यूज टू ऑफ दीज क्वेश्चन, जब मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे तो यू आर वेरी गुड इन दीज क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और है, वो मैंने दूसरे वाले बच्चों को कराया था, देखते हैं, हाँ बच्चों इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, इसमें बस मुझे लोकेशन चाहिए। अब यहाँ पे जो अभी किसी ने पूछा था ना कि मैम बीच में अगर चार्ज होगा तब डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। मैम डिस्टेंस के बाद वन लिखा है या आई लिखा है, एल एल, ओके, देखो ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे इस वाले क्वेश्चन में। देखो यहाँ चार्ज q है, प्लस q, यहाँ पे चार्ज प्लस का 4q है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से l डिस्टेंस की दूरी पे हैं। अब देखो जो अब चार्ज की लोकेशन आएगी मैम थर्ड चार्ज की, वो l बाय 3 आएगी, l बाय 3, हाँ किसने बताया, यस मैम शाश्वत, शाश्वत, यस मैम, वेरी गुड शाश्वत, इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया, yes, या पहले क्या हुआ था, नो मैम अभी किया है, वेल डन शाश्वत, वेरी गुड, हाईली अप्रिशिएटेड, थैंक यू मैम, वानी वेरी गुड, एल बाय थ्री, वेरी गुड। अब देखो जिन जिन से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है वो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या बोला, एक चार्ज q है, एक चार्ज प्लस q है, दोनों l डिस्टेंस की दूरी पे हैं। अब क्या है, एक तीसरा चार्ज हमें कहीं पे रखना है,
तीसरा चार्ज कहीं हमें रखना है जिसकी वजह से एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो तीसरा चार्ज बच्चों कहाँ रखोगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है एंटायर सिस्टम। तो इसका मतलब है कि जितने भी चार्जेस हैं, ईच चार्जेस हैव जीरो नेट फोर्स, ठीक है, तभी पूरा सिस्टम किसमें आएगा, इक्विलिब्रियम में। मतलब प्लस क्यू जो चार्ज है, समझो प्लस क्यू चार्ज की अगर नेट फोर्स निकालोगे वो भी जीरो, प्लस फोर क्यू चार्ज की नेट फोर्स निकालोगे वो भी जीरो, करेक्ट। अब देखो, अब इसने हाँ तो अब बोला है कि तीसरा चार्ज कहीं पे रखना है, ठीक है। अब ये सबसे पहली बात ये है कि बाहर रखोगे या अंदर रखोगे और किस किस साइन का रखोगे, ठीक है। ये अब तो देखो खुद ही समझो, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो तुम ज्यादा सोचो ही मत, तुमने पढ़ा है प्लस क्यू के बीच में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी और प्लस फोर क्यू की वजह से कहाँ होगी, यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यही पढ़ा है ना। और यहाँ पे टू पॉइंट चार्जेस, अच्छा यहाँ पे तो हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, सुनो फोर्स लगेगा। अगर तुम फोर्स भी देखो तो फोर्स भी बच्चों इसी डायरेक्शन में लगना चाहिए, तभी फोर्स भी जीरो हो सकती है कि एक इधर और एक इधर। तो कैसा चार्ज लूं, नेगेटिव चार्ज लूंगी, कोई भी मैग्नीट्यूड हो, आई डोंट नो द मैग्नीट्यूड, बट चार्ज कैसा लूंगी, नेगेटिव। क्यों, प्लस क्यू उसको इधर खींचेगा और ये वाला प्लस भी इसको इधर खींचेगा, तो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से नेट फोर्स इस वाले चार्जेस पे भी, जो बीच में रखा थर्ड वाला चार्ज है उस पे भी क्या होनी चाहिए, जीरो। कंडीशन क्या है, सिस्टम ये देखो ईच चार्ज, क्या बोल रहे हो मैम, प्लस पर भी तो हो सकता है, प्लस वाला अच्छा। प्लस तो एक दूसरे चलो ठीक है, चलो चलो तुम्हारी बात ही कोई करते हैं, प्लस क्यू ले लो, चलो प्लस क्यू लो भाई, इसके कहने से ये प्लस फोर क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब देखो ये फील्ड नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे हम फोर्स देख रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कंफ्यूज मत हो जाना फील्ड और फोर्स में, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात है, तो दिस इज फोर्स, ठीक है। अब देखो प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तुमने कहीं पे भी इसके बीचों बीच बच्चों कैसा चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, मतलब प्लस मैग्नीट्यूड का चार्ज रख दिया, ठीक है। यस मैम। हाँ तो प्लस क्यू वाला चार्ज इसको क्या करना चाहेगा, रिपेल करेगा, अच्छा ये इस डायरेक्शन में करना चाहेगा इसको रिपेल, है। और तुम कह रहे हो कि अगर इधर प्लस क्यू फोर क्यू वाला चार्ज होगा तो ये भी इसको इधर रिपेल करेगा, है मैम, ये ऊपर जाएगा, तो फिर नहीं नहीं फिर इस केस में ये क्या करता रहेगा, ये SHM करता रहेगा ना मैम, अगर बाकी दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे प्लस क्यू और प्लस फोर क्यू वाले, तो क्योंकि उन्हें तो दोनों ही चार्ज रिपेल कर देंगे, फिर देखो जो ये प्लस क्यू वाला चार्ज है ना, तो ये वाला इस पे, ये भी तो इस पे फिर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा ना इक्विलिब्रियम में, जैसे ही देखो प्लस क्यू वाला चार्ज इस पे उसका फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएंगे, इस वजह से तीनों सिस्टम को बैलेंस करना है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही लेंगे, ठीक है। तो ये इसको अपने पॉइंट्स में लिख लो कि जब ऐसी सिचुएशन आए प्लस क्यू चार्ज हो और इक्विलिब्रियम की बात हो तो कैसे चार्ज लेना है, माइनस क्यू, ठीक है। यस मैम। तो अब बस अब क्या करो, अब मैग्नीट्यूड निकाल दो, अब तो पहले तो लोकेशन निकालोगे तब मैग्नीट्यूड निकलेगा। देखो हाँ अब क्या है, एक थर्ड चार्ज, अब मैंने मान लिया कि थर्ड चार्ज को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता ये किस मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ठीक है। अभी मैं इसको क्यू मान के चल रही हूँ या कैपिटल क्यू मान लो, कुछ भी मान लो, कैपिटल क्यू मान लो, ठीक है। अब क्या है, हर चार्ज के पास नेट फोर्स जीरो है, तो इस चार्ज पे तुम फोर्स निकालो, किसकी वजह से फोर्स है, ये एफ क्यू की वजह से, और बराबर कर दो उसको एफ फोर क्यू की वजह से। अब कुलाम्बिक फोर्स है, दोनों फोर्स आएंगे, तो लिखो एफ क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, कितनी मान लेते हैं कि यहाँ से एक्स दूरी पे है ये, ठीक है, तो यहाँ से कितनी दूरी पे हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस एल है तो एल माइनस एक्स, तो यहाँ से कितना हुआ के फोर क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स होल स्क्वायर,
चलिए अब तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, के क्यू से हम लेफ्ट साइड के टर्म्स पर रहेगा। हाँ तो देखो क्या आ गया भाई, 1/4 इधर आ गया और यहाँ चला गया आर बाय एल, सॉरी ये एक्स था ना, तो इसको एक्स लो यहाँ पे एक्स, तो ये हो गया एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको भी क्या कर दो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है तो बस ये सब कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये एल माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, एल इक्वल्स टू 3x, यहाँ से x इक्वल्स टू एल बाय 3। बाकी ये सब तो कॉमन था, ये तो सब तुम्हें पता ही है कि बैलेंस फोर्स होने हैं तो बराबर होंगे, जैसे नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे E1 equals to E2, तो यहाँ पे भी फोर्स क्या होंगे इक्विलिब्रियम में, तो F1 equals to F2 होगा। डिस्टेंस वही किया, x माना, यहाँ से डिस्टेंस कितनी मानी, ये x है तो ये हो जाएगी L माइनस x, मेन था तुम्हारा उसका चार्ज का, तो चार्ज कौन सा लेना है नेगेटिव। देखो अब एक और बात बताऊं, अगर तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो यहाँ पे तुम अगर पता भी नहीं चलता कि माइनस लेना है या पॉजिटिव लेना है, तब भी आंसर तुम्हारा यही आता है x की वैल्यू, समझे, सब चीज कैंसिल हो जाती, तुम्हारी x की वैल्यू तब भी यही आती अगर तुम्हें साइन नहीं पता होता तब भी। अब देखो अब क्या निकालना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक चार्ज उठाओ, या q उठा लो या 4q उठा लो, इस पे किसी भी एक फोर्स पे नेट फोर्स जीरो कर दो। ठीक है, कोई भी एक चार्ज उठा के नेट फोर्स जीरो कर दो। नेट फोर्स कैसे जीरो करोगे, तो कई बच्चे यही कंफ्यूजन में होंगे कि नेट फोर्स जीरो कैसे करें। देखो q पे कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे, एवरीवन मैम एक रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा 4q, पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा -q। अभी भूल जाओ माइनस पॉजिटिव को, अभी भूल जाओ, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेकंड के लिए अभी हमें कुछ नहीं पता, बस मैंने यहाँ पे बीच में एक चार्ज ले लिया जो उसको ऐसे ऐसे रिपेल कर रहा है। ठीक है, अब देखो नेट फोर्स क्या करनी है, जीरो करनी है, तो देखो ये क्यू, ये वाला क्यू फोर्स लगाएगा इस पे, और एक ये वाला 4q फोर्स लगाएगा, ये दो फोर्स लगाएंगे, तो इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर दो क्योंकि नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो देखो तो के क्यू कैपिटल क्यू फोर्स लगाएगा भाई, कितनी दूरी पे है ये, एल बाय थ्री, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, एल बाय थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू 4q, अब ये 4q वाला फोर्स निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है ये एल माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा एल माइनस एल बाय थ्री 12/3 का होल स्क्वायर। अब क्या क्या चीज अच्छा सॉरी यस यस करेक्ट 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 हाँ 4q से क्यू लेंगे तो यस करेक्ट एल हो जाएगा। गुड, तो ये पूरा एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही है, के क्यू कैंसिल हो गया यहाँ से ये वाला के क्यू कैंसिल हो गया, और यू बाय एल स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 4q by L square, तो ये L square से ये L square cancel हो गया, क्या आया 9q equals to 4q। ठीक है, Q की value कितनी आ गई भाई, capital Q is equals to 4/9 small q। ठीक है, तो Q की कितनी value चाहिए, 4/9। अब बस दोनों चीज देखो, अभी जब तक तुम्हें नहीं पता था कि साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं पता था, तब भी तुम्हारे आंसर यही आने थे। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है क्या साइन लेना है, बट तो तुम्हारे जब भी आंसर यही आने थे, बट अगर तुम लोग ये गलती करते थे कि साइन इस पॉइंट को बाहर ले लेते, तब क्या हो जाता, तब मिस्टेक हो जाती। ठीक है, तो बस वही है, जब भी पॉजिटिव चाहे पॉजिटिव चार्ज हो दोनों, तो चाहे फोर्स निकलवाए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाए, पॉइंट बीच में ही लेना, तो मैं ये समझाना चाह रही थी, चाहे फोर्स निकलवाए या इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, पॉइंट बीच में ही लेना है। सभी बच्चों अपनी कॉपी में लिख लो। और अब आई इक्विलिब्रियम की बात, क्योंकि क्वेश्चन जेई है, इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगा, 4/9 भी लिख देगा क्यू, और ऑप्शन में -4/9 क्यू भी दे देगा। ठीक है, दोनों दे देगा, तो इसलिए साइन भी जरूरी है। तो देखो साइन -4 क्यू
नेगेटिव का साइन क्यों लिया है, क्योंकि हमें प्लस फोर क्यू पे क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम का। अब देखो इसको मैं यहाँ समझाती हूँ, ध्यान से इसको देखो, इधर समझ लो क्यों लिया है उसे नेगेटिव में। ये बच्चों क्या है, क्यू साइन है, और ये क्या है, फोर क्यू। अगर यहाँ पे ये आपने जो क्यू की वैल्यू निकाली कैपिटल क्यू, ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का, इधर रिपल्सिव फोर्स, राइट। और फोर क्यू भी इसको क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स इधर। तो अब ये इसके ऊपर तो नेट चार्ज जीरो हो ही नहीं ना, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो देखो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया, तो ये पॉजिटिव क्यू इस पे कैसा फोर्स लगा रहा है बताओ, रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ। फोर क्यू भी कैसा फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ। तो क्या क्यू जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है? नो मैम, नहीं है, नहीं है, राइट। अब देखो अब यहाँ पे आओ, अब ये क्यू लो और ये फोर क्यू, अब यहाँ पे चार्ज रखो नेगेटिव क्यू। अब देखो ये वाला चार्ज नेगेटिव क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर क्यू वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल। अब क्यू चार्ज क्या हो सकता है, आपका बैलेंस हो सकता है, यानी नेट फोर्स जीरो हो सकती है। समझ में आ गई, क्यू नेगेटिव लिया है सबको, कि नेगेटिव में क्यू लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर क्वेश्चन को सिर्फ लोकेशन और मैग्नीट्यूड करके छोड़ देता तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट पूरा इक्विलिब्रियम में सब पूरा सिस्टम है, इसलिए वहां पे उसने साइन भी पूछा है कि साइन कौन सा होगा। तो साइन तुम तभी लोकेशन मैग्नीट्यूड तो बिना कॉन्सेप्ट जाने भी तुमने लगा दिया, राइट। साइन तभी पता पाओगे जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा। तो ये वाला है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कॉपी में लिख लो, ये वाला डायग्राम बना लो कि नेगेटिव चार्ज क्यों लिया है। मैम वहां पे लेफ्ट साइड में क्या करा था एक बार बता देते। कहां पे लेफ्ट साइड में? मैम पिछले पेज पे बताओ कहां पे लेफ्ट साइड है। यहां नीचे लेफ्ट साइड में कैलकुलेशंस में। यस मैम, मतलब शुरू से मतलब क्या निकालना था वहां पे। ये कौन है मैम? एक मतलब हो गया था, कनेक्शन कट हो गया था। मुझे सिलेबस बढ़ाना है, जो तुम्हारे BO4 का जो तुम्हारे BO4 का जो दूसरा बैच है ना, उसमें मैंने आज कंटीन्यूअस चार्जेस पढ़ाए हैं, तुम इतना बैच में चल रहे हो। मैम एक बार बता दो इसमें क्या करा, मतलब वहां तक तो समझ गया। अच्छा तुम ये समझ गए, लोकेशन तक समझ गए कि लोकेशन निकालनी थी, तो दोनों के फोर्सेस बराबर रख दिए, राइट। यस मैम, L/3 तक समझ गया। ठीक है, बाद में पूछा है कि भाई मैग्नीट्यूड भी निकालो, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में दिया है एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी कोई भी एक चार्ज पकड़ो, तीन चार्ज है ना, तीनों में से कोई भी चार्ज पकड़ो और नेट फोर्स निकाल दो। तो हमने नेट फोर्स निकाली है स्मॉल क्यू पे, ये पॉजिटिव क्यू पे, यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे नेट फोर्स, दूसरे पेन से लिखती हूँ। बच्चे तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत होते हैं, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। क्या है यहाँ पे लिखें, क्या लिखें यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू, नेट फोर्स निकालिए। तो नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में तो कितनी होनी चाहिए, मैंने बताया ऑलरेडी, जीरो। तो क्यू पे जो लग रही है फोर्स, एक तो इस कैपिटल क्यू की वजह से लग रही है जो हमने लेट किया है, ठीक है, और एक इस फोर क्यू की वजह से लग रही है, ठीक है। तो देखो एक बार क्यू की कैपिटल क्यू के साथ निकाली, और एक बार क्यू की कैपिटल फोर क्यू के साथ कूलम्बिक फोर्स निकाली, और दोनों को बराबर कर दिया। तो वहां से आपके पास क्या आ गया, आपके पास कैपिटल क्यू की वैल्यू आ गई जो मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। साइन का आंसर मैंने इसके बाद दे ही दिया है। यस मैम, समझ गया। चलिए ये साइन का आंसर थोड़ी स्लाइड अलग है, तो एक बार प्लीज देख लेना, ठीक है। यस मैम, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार तुम खुद घर से ही कर लेना, क्योंकि मुझे कंटीन्यूअस चार्जेस कराने हैं। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन और कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए।
क्या है भाई क्वेश्चन, इतना बड़ा भी नहीं है। आ गया आंसर, नैन्सी का आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वेरी गुड, जिसका 20 आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू के। जब आपका क्यू था आपके पास चार्ज फील्ड लाइन थी 10 नंबर, जब टू कर दिया तो नंबर कितना हो जाएगा वो पूछा है। तो मान लो इसका नंबर एन है तो क्या कर दो, ये इक्वेशन वन ये इक्वेशन टू डिवाइड कर दो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहली बात। तो अगर ये टू टाइम्स बढ़ा है तो ये भी टू टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है, यस। बाकी बाकी कैलकुलेशन देखना चाहो तो ये देख लो, टू क्यू के पास कितना है एन है, टू के पास कितना है टेन है। तो हमने क्या किया, ये कर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया और एन की वैल्यू कितनी आ गई 20। डायरेक्टली भी कर सकते हो कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, क्यू के पास 10 है तो क्यू की वैल्यू तुमने ट्वाइस कर दी तो इसकी वैल्यू भी ट्वाइस कर दो, कितना 20, ठीक है। ओके मैम, चलो आ गए अब हम, 9:30 तक है ना क्लास, ठीक है। एक तो तुम्हें करा ही दूंगी, एक तो कंटिन्यूस बॉडीज का। देखो क्या है कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडीज, कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडीज ये क्या है, मतलब कि कोई भी बॉडीज हैं, कोई भी ले लो, कैसी बॉडीज हो, आपका सॉलिड हो गया, स्फीयर हो गया, कोई भी रिंग हो गई, या कोई भी क्यूब हो गया, ऐसी बॉडीज, बट उन पे क्या हो चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली से आप क्या समझते हो, पूरी बॉडी पे इक्वल चार्ज है, बराबरी चार्ज बटा होगा, बराबर एक बराबर चार्ज है, सेम डायरेक्शन मैम, हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा चार्ज। हां देखो कैसा चार्ज हो, देखिए यहां पे एक समान, जैसे कि मान लो ये आपके पास एक निडल है, ठीक है, वायर टाइप है, एकदम वायर पतली सी, ठीक है। इस पे मैंने बोला कि इस पे टोटल चार्ज कितना है, मैंने बोला इस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, कैपिटल क्यू, ठीक है। इसकी लेंथ है एल, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे जो ये पॉइंट है मुझे यहाँ पे बता दो कितना चार्ज है, या क्या पूछो, नहीं रुको ऐसे नहीं, पॉइंट का नहीं, बिल्कुल पॉइंट नहीं, इतना टफ नहीं देंगे, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आसान से समझाएंगे। हाँ टोटल डिस्टेंस इस पूरी लेंथ कितनी है, इसकी एल लेंथ है, कहाँ गया कर्सर, पूरी लेंथ इस वायर की है एल, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, मैं तुमसे कह रही हूँ कि यहां से यहां तक जो इसकी डिस्टेंस है मान लो एक्स, मुझे बता दो कि एक्स दूरी पे कितना चार्ज है टोटल, ठीक है, पूरी एल डिस्टेंस पे कितना चार्ज है क्यू। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे एक्स डिस्टेंस की दूरी पे चार्ज बता दो, तो आप तभी सुनिए सुनिए, वो आप तभी बता पाओगे तब चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट, यूनिफॉर्मली। अगर मान लो यहाँ पे चार्ज कितना है, अगर बीचो बीच लू, मान लो यहाँ पे आओ, यहाँ पे एल बाई टू है, ठीक है, तो अगर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ भी क्यू बाई टू होना चाहिए और यहाँ भी क्यू बाई टू होना चाहिए। अगर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है कि यहाँ पे तो क्यू बाई फाइव है और बाकी का बचा हुआ जो चार्ज है क्यू माइनस क्यू बाई फाइव वो यहाँ पे है, नहीं नहीं ये तो बराबर हो गया ना, हाँ बराबर नहीं करना, अनइक्वल करना है, एक सेकेंड, मेरी मैथमेटिक्स ना थोड़ी कमजोर है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आ गए। तो कुल मिला के ये बात है कि आप तभी निकाल पाओगे जब चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, इसके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे मतलब यहाँ पे चार्जेस क्या है कम बट यहाँ पे चार्जेस है ज्यादा, मान लो यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू है ज्यादा, तब आप क्या नहीं निकाल पाओगे, ये नहीं निकाल पाओगे कि टोटल लेंथ पे चार्ज कितना है क्यू, तो वन लेंथ पे कितना चार्ज होगा क्यू बाय एल,
कितनी डिस्टेंस पे निकालना है x पे, तो मल्टीप्लाई बाय x। तो जो ये फॉर्मूला लगाया है ना, ये नहीं लगा पाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने एक यूनिट डिस्टेंस का चार्ज निकाला q बाय l, और जितनी का निकालना है उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कब निकाल पाए, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। तो ये जितने भी हम मैं डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगी, ये सब यूनिफॉर्म चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, पहली बात। अब देखिए, अब हम तीन तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर लीनियर चार्ज बॉडी है, अब लीनियर चार्ज बॉडी क्या होती है वो समझो, यानी जो 1D बॉडीज है, कैसी बॉडीज है, 1D बॉडी क्या होंगी, जिनके पास सिर्फ लेंथ होगी, एरिया नहीं होगा, जैसे कि कोई वायर है भाई, वायर के पास बताओ, वायर के पास कोई एरिया होता है, जो पतली सी तारे होती है, बहुत पतली, कॉपर की, जो घर में जो जिसके ऊपर कोटिंग हुई होती है रबड़ की, उस वायर को जब आप छीलते हो उसके अंदर से कॉपर की पतली सी वायर निकलती है ना, पतली वायर निकलती है, क्या उसी वायर की अगर बात करूं, उस वायर में कुछ विर्थ होती है, नहीं होती, एकदम पतली सी वायर है। तो क्या बोलूं, जहां पे लेंथ एज कंपेयर टू विर्थ क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो वहां पे मैं क्या कह सकती हूँ, दीज बॉडीज आर 1D बॉडीज, ठीक है, और उन्हें क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज बॉडीज, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या रखा हुआ है, एक ये है हमारी रॉड, जो किसके वायर, किसके समान होती है, वायर के समान, ये स्ट्रेट वायर। अच्छा, अगर इसी वायर को पकड़ के गोल बना दो, रिंग बना दो, है ना, कई बार जब आप उसमें लैब में आप बैठे होंगे, कई बार जब हम फिजिक्स की लैब में बैठते थे तो क्या करते थे, पतली पतली जो वायर्स होती थी उनको क्या करते थे, गोल कर लेते थे, फिर उनको रिंग फिंगर बना के पहन लेते थे कॉपर की। तो इस तरीके से अगर उस वायर को गोल कर दोगे तो क्या बन जाएगी, रिंग फिंगर, मतलब रिंग बन गया, है ना, तो ये क्या बन गया, रिंग बन गया। तो आपके पास दो लीनियर चार्जेस के बॉडीज हैं, क्या, एक तो स्ट्रेट वायर और एक चार्ज रिंग, रिंग के ऊपर चार्ज है वही है। अब देखो, चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाला, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, लैम्डा से। देखो यहाँ पे लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा किसके बराबर है, क्यू बाय एल के, यूनिट लिखो, चार्ज की यूनिट सेंट कूलम, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर, तो लैम्डा, अच्छा तो लैम्डा किसके बराबर हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ की। अगर आपको, अब मैं बोलूं कि यहां से मुझे इतनी डिस्टेंस, जो यहां पे कोई dq चार्ज है, मुझे इसकी क्या निकाल के दे दो, वैल्यू निकाल के दे दो, तो तुम क्या कर दोगे, लैम्डा dq कर दोगे, इंटीग्रेट, है ना, कि इतने का चार्ज चाहिए और उससे मल्टीप्लाई कर दोगे कि हाँ ये इतना चार्ज आ गया, पर यूनिट लेंथ इतना था और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, एक सेकेंड, हाँ, अब मान लो मैं बोलती हूँ ये dq चार्ज जो है कितनी, कितना dx डिस्टेंस पे है, ठीक है, dx में dq चार्ज है, तो चार्ज कितना है dq, अगर मुझे ये चार्ज बच्चों इसकी फॉर्म में निकालना है, लेंथ की फॉर्म में, तो कैसे निकालोगे, देखो लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तुम्हें कितनी लेंथ का, कितनी लेंथ का चाहिए, dx का चाहिए, तो लैम्डा तो है ही, तो इसको क्या कर दो, लैम्डा कितनी डिस्टेंस का चाहिए, dx का, तो क्या कर दो, लैम्डा dx। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, dq फाइंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, कि इतने डिस्टेंस के लिए कितना चार्ज है, लैम्डा dx, ये समझ में आया, पर यूनिट लेंथ पे वही है ये जो अभी क्या था, लैम्डा q by l x किया था, ये वही है, अब dx के लिए है, तो ये क्या हो गया, लैम्डा dx, q by l किसके बराबर हो गया, लैम्डा के, ये है ना, q by l किसके बराबर है, यहां से लैम्डा के, तो बस q by l की जगह लैम्डा रख दिया, x का मैंने क्या बना दिया, dx। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे लीनियर के लिए। अब आ जाओ सरफेस के लिए, सरफेस में क्या होगा, सरफेस में ऐसी बॉडीज होंगी जिनके पास क्या होगा, लेंथ भी होगी और विर्थ भी होगी, हाँ, तो उसके लिए हम निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे डिनोट करते हैं सिग्मा से, ये क्या है सिग्मा, उसको लैम्डा बोला था, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया का चार्ज निकालोगे ऐसे, यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर,
कौन कौन सी बॉडीज हैं देखो, ये होंगे होलोस्फीयर, ठीक है, सॉलिड नहीं होंगे, होलोस्फीयर, होलो सिलेंडर और शीट। अब शीट क्या होती है, प्लेन शीट, तुमने पहली बार नाम सुना है, प्लेन शीट कैसी होगी 2D के लिए, तो तुम्हारी जो कॉपी का कागज है, कॉपी का कागज जिसके पास लेंथ भी है और विड्थ भी है, बट उसकी जो मोटाई है, थिकनेस, वो उसके पास नहीं है, ठीक है। तो जहां सिर्फ लेंथ और विड्थ मुझे मिले तो वहां पे क्या होंगे, 2D ऑब्जेक्ट्स, 2D ऑब्जेक्ट्स होंगे तो क्या निकालेंगे, एरिया, दीज आर द 2D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो प्लेन शीट होगी इसका जो लेंथ ऑफ दैट है इनफिनिटी होगा, हाँ, अगर इनफाइनाइट शीट लेनी है तो इनफाइनाइट ले लो, वो तो तुम्हारे ऊपर, अगर तुमने इनफाइनाइट शीट ले ली तो इनफाइनाइट बना दो, बना सकते हो, ठीक है। हाँ, और ये भी होलो सिलेंडर होगा, ठीक है, ये भी होलो स्फीयर। क्यों होलो क्यों होंगे बच्चों, अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड के लिए, अगर पूरा अंदर चार्ज तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे कैसे, ये है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पे क्या है, क्यूब है, क्यूब के पूरे अंदर तक चार्जेस भरे हुए हैं, ठीक है। अगर इसको कहा, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, रो से, तो रो को किससे डिनोट करोगे आप, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो अगर आपको छोटे से वॉल्यूम के लिए निकालना है, डीवी वॉल्यूम के लिए, तो इस डीवी वॉल्यूम निकालोगे, देखो पर यूनिट वॉल्यूम तो तुम्हारा फिक्स्ड रहेगा, दिस इज फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में तो वही रहने वाला है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चार्ज निकालना है कितनी यूनिट के लिए, डीवी यूनिट के लिए, तो मान लो उस पर कितना चार्ज है, डी क्यू, स्मॉल वॉल्यूम डीवी पे, तो अब कितना चार्ज आ गया, डी क्यू इक्वल्स टू रो डी वी, इस तरीके से, ठीक है, तो इतना चार्ज उस पर होगा। अगर देखो लीनियर चार्ज होता तो डी क्यू किसके बराबर होता, लैम्डा डीएल, लेंथ के लिए था, सरफेस के लिए होता तो क्या लगाते, लैम्डा डीएस, लैम्डा डीएस, लैम्डा सिग्मा, सिग्मा डीएस, सिग्मा डीएस, राइट राइट, सिग्मा डीएस। तो ये हो गए आपके डी क्यू की वैल्यू। किसी का माइक ओपन भाई, जिसका माइक ऑन है वो बंद कर लीजिए, ऑन नहीं, ऑफ कर लो भाई, ऑफ कर लो। आज मेरी बच्चों मैं बता इस वीक, चलो कोई बात नहीं छोड़ो। तो लैम्डा डीवी, रो डीवी और सिग्मा डीएस, ये तुम्हें डी क्यूब निकालना आ गया कि पर यूनिट का पता है, पर यूनिट लेंथ का पता है, पर यूनिट सरफेस का पता है, तो जितने डिस्टेंस के लिए निकालना चाहो तुम निकाल सकते हो, इतना तुम्हें पता चल गया, ठीक है। यस मैम, अब आएंगे हम क्वेश्चन, चलो आधे घंटा है, आधे घंटा में तो फटाफट कर ही लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, अब रिंग की वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। देखो अरे यार ये तो हम तो समझाया था ना, देखना मत रुको, उसको रिमूव करके, चलो तुम उनके बराबर आ गए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैम छुट्टी हो गई, क्यों 9:30 होगी ना, छुट्टी क्यों हो गई, आज तुम सबके नेटवर्क इशू क्यों आ रहे हैं, मैम पता नहीं क्यों मेरा भी आ रहा, भाई तुम सबके नेटवर्क इशू आ रहे हैं आज, है हम दिल्ली का, दिल्ली में हैं, हाँ तो मैं भी दिल्ली में ही हूँ, हम पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मैम मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मैम मेरे पास बल्कि राउटर लगा हुआ तब भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, तुम सबका ही हो रहा है, क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये रजत क्या लिख रहा है, रजत ये क्या लिखा है तुमने, अच्छा मन नहीं होगा मैम, क्लास लेने का मन नहीं होगा, किसका नहीं होगा, अच्छा लो बच्चों का, तभी इनके नेटवर्क इशू आ रहे हैं ना, हाँ कहीं मैम बीच में उठा के पूछ ले, किसी ने लिखा है 99 मिस कॉल फ्रॉम मुंबई, ये अमित को क्या हुआ, अमित क्लास में आज तो तुमने आंसर एक भी नहीं किया, तुम्हें अच्छा तुम्हें अंबानी की वहाँ पे जो पार्टी हो रही है उसके लिए कॉल आ रहे होंगे, है ना,
हाँ अमित को बुलाया है वहां पे स्पेशल। हाँ तो देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग्स, मिल जाएंगी, टेंशन मत लो। मतलब तुम रिकॉर्डिंग तुम्हें चाहिए जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तुम उसका क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग्स देखोगे अभी? हाँ मैम लाइव बैठ के पढ़ा रही है, तुम्हें ये नहीं पढ़ना। मैम पढ़ रहे हैं यहीं पे बैठ के पढ़ो। नहीं जस्ट इन केस कुछ नहीं मिस होगा, नेटवर्क इशू आएंगे तो फिर आप लोग दोबारा रिकॉर्डिंग्स चेक कर लेना, पढ़ लेना उसमें से। हाँ जी तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको, एक सेंटर सॉरी एक रिंग है उसके सेंटर से। ये भाई मेरी एक सर्कुलर रिंग है ठीक है, मेरे से ऐसी बनती है सर्कुलर रिंग, छोड़ो जब दोबारा बनाऊ टाइम लग जाएगा। नो मैम ठीक है। हाँ तो मैं बस कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, मेरी वो डायग्राम वो मत देखो, आर्ट आई एम नॉट आर्टिस्ट। एक सेकंड मेरे लैपटॉप में चार्जिंग क्यों नहीं जा रही है? मुझे एक मिनट रुकना जरा, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा। बच्चों की दुआ लग गई, लैपटॉप भी बंद हो रहा है। हाँ हो गया बच्चों, ऐसे मत बोलो, हो गया ठीक है। अब देखिए हाँ तो ये हमारा एक रिंग है, एक मतलब रिंग की वजह से एक सर्कल बनाया हुआ है जिसपे हमें टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है ऑलरेडी ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले ही गिवन है, यानी छोटे 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 बहुत सारे क्यू से क्या बनाया गया है, ये सर्कल बनाया है ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल डी क्यू डी क्यू डी क्यू, बहुत सारे स्मॉल डी क्यू को जब इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट कैपिटल क्यू, इस तरीके से है क्योंकि यूनिफॉर्मली है राइट। अच्छा जी अब इन्होंने क्या बोला है आपसे, देखिए कि आपको सेंटर से एक पॉइंट लेना है, सेंटर से एक पॉइंट लेना है किसी एक्स दूरी पे, मान लेते हैं ये पॉइंट मैंने मान लिया पी और इसकी रेडियस आपको गिवन है आर एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस एक्स ठीक है। इसकी एक्सिस पे अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो हमें फॉर्मूला नहीं पता कॉन्टिन्यूस चार्ज के लिए क्या है, बट हमें पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती है ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मानती हूँ यहाँ पे एक छोटा सा मेरा पॉइंट चार्ज है डी क्यू। अब इस छोटे से डी क्यू चार्ज की वजह से मैं इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकती हूँ। देखो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मानो डी ई है, अब मानो ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये वाली लाइन जो तुमने आगे डी ई तक बढ़ाई है ये यहाँ पे भी कितना एंगल बनाएगी इसी लाइन के साथ, थीटा एंगल। तो ये एंगल थीटा है तो ये कौन सा कॉम्पोनेंट होगा, डी ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट ठीक है। इस डी ई का यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट आएगा वो कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, डी ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट, साइन ऑफ थीटा। यहाँ तक समझ आ रहा है? Yes, अब देखो जो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रही है, ये डी क्यू से पॉइंट पी तक वाले यहाँ से ये वाली जो ये लाइन बनाई है ना ये डिस्टेंस कितनी है भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है, पाइथागोरस। ओके मैम। अच्छा अब एक चीज देखो, बहुत बहुत अच्छी चीज है, देखो समझो यहाँ पे क्या है। देखिए अगर बच्चों मैं यहाँ पे एक स्मॉल डी क्यू एलिमेंट और कट करूं ठीक है, इस पॉइंट पे जस्ट इसके अपोजिट
ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एक डी क्यू एलिमेंट है बच्चों, जस्ट इसके यहाँ पे भी एक डी क्यू एलिमेंट होगा इसका सिमेट्री में। अगर यहाँ पे कोई डी क्यू एलिमेंट है बच्चों, इसके जस्ट सिमेट्री में यहाँ पे भी एक डी क्यू एलिमेंट होगा, है ना। तो मैं क्या किया, इस एक डी क्यू यहाँ ले लिया, इसका जस्ट अपोजिट वाला डी क्यू यहाँ ले लिया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉम्पोनेंट्स बनेंगे और नेट कॉम्पोनेंट किस डायरेक्शन में आएगा। तो देखो, इस पॉइंट की वजह से भी पी पे क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे जाते जाते ये है DE। तो देखो DE की अब जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहने वाली है, सेम, क्योंकि ये भी r डिस्टेंस है, यहां से ये भी x डिस्टेंस पे है, तो ये भी कितना है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये भी DQ है और ये भी DQ है, तो एवरीथिंग इज सेम, तो इसलिए DE का मैग्नीट्यूड भी क्या रहने वाला है, सेम। अच्छा भाई, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये DE का कंपोनेंट इधर है, तो इसका यहाँ हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बनेगा, DE cos थीटा। इसके जस्ट अपोजिट में ये यहाँ पे एंगल आएगा DE sin थीटा, DE sin थीटा। अब देखो, बाई में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2DE cos थीटा। अच्छा, बाई 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 में तुम कॉम्पोनेंट लोगे उसका अपोजिट में एक एक डी क्यू लोगे, उसके जस्ट अपोजिट में एक डी क्यू होगा जो तुम्हारे साइन कॉम्पोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे एक डी क्यू होगा, उसके जस्ट अपोजिट एक डी क्यू होगा, वो भी तुम्हारे साइन कॉम्पोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल। कुल मिला के तुम्हारे पास क्यू की सिर्फ कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट फील्ड बनाएगी, साइन थीटा वाला तो कॉम्पोनेंट फील्ड बनाएगा ही नहीं, राइट। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो डीई एक्स लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको E मिलेगा, ई एक्स, ठीक है, लिखिए। अब आप पॉइंट चार्ज की वजह से निकालो, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आएगा, K डी क्यू, डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो DE cos थीटा है, यहाँ पे देखो DE x कितना है, DE cos थीटा, तो देखो यहाँ पे DE की वैल्यू तो आपने लिख दी, cos थीटा एज इट इज, ठीक है, cos थीटा साथ में चलेगा। अच्छा जी, अब आगे चलो, इंटीग्रेशन K D Q, मतलब भाई एक D Q के लिए निकाली, बाकी सबका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो यहाँ पे अब ये रूट था, स्क्वायर कट गया, तो सिर्फ बचा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। यस मैम, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो एक भी थीटा पकड़ो, जैसे ये थीटा है तो थीटा के अपोजिट वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, तो इस थीटा का बेस एक्स हो गया और हाइपोटेन्यूज की क्या हो गई, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाली, तो कॉस थीटा कितना हो गया, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वन बाय टू। ये ट्राइंगल लिया है, ये जो ट्राइंगल बनाए हैं थीटा, ये ट्राइंगल लिया है, ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा निकाला है। मैम, जो एक्स एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने 2DE cos थीटा क्यों नहीं लिया, 2DE क्यों लोगे आप मैम, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाती है ना। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये भी DE cos, हमने कॉम्पोनेंट्स लिए हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे ये है DE है, तो जब तुम DE लोगे तो ऐड क्या होना चाहिए, तुम्हारे चार्जेस ऐड होने चाहिए, cos थीटा तो डायरेक्शन दिखा रहा है ना कि cos थीटा इस डायरेक्शन, मतलब x एक्सिस में जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो सारे ऐड होंगे, ऐड क्या होगा DQ, तो जब आप लिमिट्स जो लगा रहे हो तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2DE cos थीटा लिख दिया तो इसमें
गड़बड़ हो जाएगी, उसमें फिर कोई वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्शन दिखाई है कि डी कॉस थीटा की डायरेक्शन है जहां पे नेट फील्ड आया है। अब तुम्हें नेट फील्ड निकालना है जो मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तुम्हें क्यू का इंटीग्रेशन करना है ना, क्यू ऐड करना है सब सब में। कॉस थीटा तो डायरेक्शन बता रहा है सिर्फ, ठीक है, कॉस थीटा इज गिविंग ओनली द डायरेक्शन कि भाई यहाँ पे है, साइन थीटा तो कैंसिल हो गए। तो देखो अब इंटीग्रेशन करोगे तो कहां से कहां करोगे, जीरो टू जीरो से लेके क्यू तक, क्यों आप क्या चाह रहे हो कि छोटे छोटे जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी टोटल चार्जेस हैं सबका इंटीग्रेशन कर दो। कब तक इंटीग्रेशन करो कि कैपिटल क्यू ना बन जाए, तो बस यही करना है। हो गया क्वेश्चन, तो ई एक्स की वैल्यू भाई कितनी आ गई, ये ई नेट भी होगा के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये है ये रिजल्ट है। अच्छा अब मुझे ऐसी वैल्यू बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो, जीरो। क्योंकि क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, जीरो, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। पॉइंट वन, एक्स इक्वल टू जीरो एट सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। अच्छा दूसरा मैं अगर सवाल पूछना चाहूं कि जो इसका सेंटर है यहाँ पे ओ से लेके पी तक किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी वो फाइंड करो। फाइंड ई मैक्सिमम कितनी होगी एट विच पोजिशन, किस पोजिशन पे होगी, यानी लोकेशन भी तो चाहिए ना, ओ से लेके पी के बीच में, वहीं पे इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में होगी, तो उस पोजिशन पे निकालो, यानी एक्स की किस वैल्यू पे होगी, और अगर जिस वैल्यू पे होगी फिर क्या करो, x की वैल्यू निकाल लोगे ना, x की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रख दो, तो वहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, e मैक्सिमम। तो सबसे पहले क्या निकालो, x निकालो, तो मैक्सिमम के लिए तुम्हें पता होगा जब भी कोई चीज मैक्सिमम के लिए निकालनी हो तो क्या करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम करनी हो तो उसका डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो के बराबर कर देते हैं, या मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो, तो ऐसे हमारा मैक्सिमम मिनिमम निकलता है मैथ्स में। तो अभी आप क्या करो, तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे तुम्हें लिखवाई है, दिस इक्वेशन इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मूला नहीं आता तुम्हें फॉर्मूला बताती हूँ। देखो ई एक्स क्या है, के कैपिटल क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, नहीं नहीं डबल डिफरेंशिएशन नहीं, सिंगल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो सिंगल ही करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन तो जब स्लोप का मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तब करते हैं, कि स्लोप जब स्लोप निकालना हो कि स्लोप कहाँ जा रहा है तब। तो देखो के क्यू एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला बना, के क्यू तो बच्चों कॉन्स्टेंट है इसको भूल जाओ, तो हमें किसकी डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के टर्म्स में, तो ये होगा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 का, क्योंकि हम तो वैसे ही जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन इसका डी बाई डी एक्स करना है। देखो फॉर्मूला क्या है, यू बाई वी, मैथ्स में ये जो नीचे वाली टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, फिर क्या करो जो ये वी वाली टर्म है इसको एज इट इज कर दो, यू का डिफरेंशिएशन माइनस, अब यू को चुपचाप रख दो, जो ये वी है इसका डिफरेंशिएशन कर दो डी वी, दिख गया ना, हाँ, तो बस ये करना है, चलिए करिए। तो देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगी तो ये कितना बन जाएगा, क्यू, क्योंकि 3/2, हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 एज इट इज रख दो चुपचाप, ये बी वाली टर्म, x का करोगे कितना हो जाएगा 1, माइनस का साइन, x को एज इट इज रख दो चुपचाप,
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका करो, पावर को आगे लेके आओगे 3/2 पावर माइनस वन, पावर में से माइनस वन यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 पावर का आधा। अब एक्स स्क्वायर का भी करना है क्योंकि dx के टर्म्स में कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। अब इसको जीरो के बराबर कर दो भाई, ये पूरी टर्म को जीरो के बराबर कर देंगे तो इधर चली जाएगी, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इक्वल्स टू, यहाँ 3/2 ही आएगा ना, एक्स स्क्वायर 1/2। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये कितना बचा देखो, इस 2 से अगर ये 2 कैंसिल कर दो, 3x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 कितना आया, ये 3/2, ये यहां से -1/2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर, बच्चों ये तो स्क्वायर में चला गया, 3/2 -1/2 करोगे तो 3/2 -1/2 में से बन गया 2/2, 1 बचा ना, यस मैम, 1 बचा ना, +2 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब x स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आई भाई, √√2x प्लस माइनस, राइट, बस यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, तो निकाल ली, ये मैक्सिमम वैल्यू है तुम्हारी जिस पे क्या होने वाला है, आपकी मैक्सिमम होने वाली है ई। यस नैंसी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब क्या करिए, जो ये एक्स की वैल्यू है इसको उसमें रखिए ई की वैल्यू में, जो ई एक्स की वैल्यू है, फिर बताइए ई मैक्सिमम कितना आ रहा है। Everyone, x की वैल्यू जो आई है ना r by root 2, इसको max इसमें रखो, जो e की वैल्यू कैलकुलेट करी है आपने। मैम 2kq/√3r² Very good. Keep it up. तो देखा तुमने ही कर लिए क्वेश्चन, बस मैंने तुम्हें वैसे ये छोटा सा हिंट दिया था r by root 2 का, है ना, तो बस अब क्या करना है भाई, यहाँ पे देखो e की वैल्यू कितनी थी, kqx/r² + x² की पावर 3/2, आपने x की वैल्यू निकाली r/√2, तो e मैक्सिमम यहाँ से कितना आया, kqr/√2r² + हाँ बोलिए, अगर कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो देखते रहना, ये रूट टू कहां से, ये कौन सा रूट टू है, अच्छा ये एक्स वाला, तो ये टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3r² / 2 की पावर 3/2 ये बना। अब कितना बना, kqr√2, ये सिर्फ बचेगा आपका 3r² का क्यूब बचेगा ना बच्चों, 2/2। मैम ये कैसे हुआ देखना एक बार, ये 2r² + r² कितना हो गया 3r² / 2, इसकी पावर 3/2 है, ठीक है, अच्छा ये पूरे में नहीं है, सॉरी, यस माय मिस्टेक, 3r/√2 हो जाएगा मैम अगर वो गॉट इट। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया भाई, r/r² का तो r क्यूब हो गया, और इसका कितना बच जाएगा, 2 का √3/2 2√2, और 3 का भी कितना हो जाएगा 3√3, 1√2 से 1√2 कैंसिल, तो ये आपके पास e max की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिखते हैं kqr/√3 इसको कैंसिल करते तो r स्क्वायर बाय 2 बच रहा है, उस 2 को क्या कर दे ऊपर ले जाओ मैम, तो ये आया कि 2kq √3/r² कुछ ना कुछ तो मुझे मिस्टेक लग रही है भाई।
देखना कहीं पे कोई एरर है। मैम ये आपने पावर कैसे खोली एक बार ये बता दो। 3R² देखो ये 3/2 है ना, तो 3 का 3/2 कैसे लिख दोगे? इनकी पावर 3/2 है, यानी ये किस तरीके से बन रहा होगा, 1 + 1/2। ठीक है, तो एक बार 3 को 3 रख दिया और एक बार क्या करा 1/2 का ये रख दिया 3√3। तो अब यहाँ से देखो 3 की पावर कितनी बनेगी, 3/2 ही तो बनेगी, तो ये ऐसे किया है। बट मैम ये दोनों तो एडिशन में है ना। अच्छा ठीक है मैम, समझ गए। अच्छा तो यही कुछ आएगा, एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं कितना आ रहा है। थोड़ी कैलकुलेशन एरर होंगी तो एक बार तुम चेक कर लेना। यही आ रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार तो, कोई बार फिर मैच कर लेते हैं आंसर। यस मैम यही आ रहे हैं। हाँ भाई यही आ रहा है, एकदम एकदम बड़ी एकदम करेक्ट आया एकदम। तो ये आ गई आपकी ईमैक्स की वैल्यू। अच्छा अगर इस वाले क्वेश्चन यही निकालो, ई की वैल्यू है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के सेकंड। इसमें अगर एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाए आर के कंपेरिजन में बहुत बड़ी हो जाए तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक्स अब आर स्क्वायर को क्या कर दो, नेग्लिजिबल कर दो, तो के क्यू एक्स बाय एक्स क्यू एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स क्यूब बता, तो ये कितना बचा फिर यहाँ से के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो देखो अब ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये एक पॉइंट चार्ज क्यू है, जो टोटल चार्ज क्यू वो रखा हुआ है, आपको बहुत ज्यादा दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो उसकी वैल्यू आप लोगों ने क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो इसका मतलब क्या है, बहुत दूरी पे जाओगे तो बड़ा चार्ज जो होगा वो भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट चार्ज देखो फिजिक्स में पॉइंट और इनफाइनाइट ये जो चीजें होती है रिलेटिव टर्म्स है, राइट। पॉइंट चार्ज और ये इनफाइनाइट सब रिलेटिव है। अगर तुम दूर बहुत दूरी से देख रहे हो, बहुत दूरी से, जैसे आप सन की बात करो, यहाँ से देख रहे हो तो कैसे दिख रहे हैं पॉइंट चार्जेस, जो तुम्हारे ये स्टार्स हैं तुम यहाँ से देख रहे हो तो कैसे दिख रहे हैं पॉइंट, बट एक्चुअली में दे आर नॉट पॉइंट, है ना। अर्थ से भी 10 गुना 100 गुना बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स में हर चीज क्या होती है, रिलेटिव होती है, राइट। तो बस वही है, तो ये वाला जो q है ये भी क्या बन जाएगा अगर दूरी पे जाओगे तो, पॉइंट चार्ज। अच्छा ये ग्राफ ड्रॉ कर दो, चलो ग्राफ रह गया एक, बस 5 मिनट की बात है, ग्राफ भी बना लो, ग्राफ भी बना लेते हैं एक सेकंड। इसका ग्राफ यहाँ पे बीचों बीच में बनाते हैं, हम मैं इरेज नहीं कर पाऊंगी, मैंने स्क्रीन हटा दी है। चलो कोई बात नहीं, इसका ग्राफ एक बार देख लो। ये बीच में क्या कर दिया मैंने भी, देखो ठीक है, इसका ग्राफ देखो कहाँ जाएगा, अपॉन में पावर कैसी है, एक्स स्क्वायर वाली पावर है, तो इसका ग्राफ किस तरीके से जाएगा, मतलब पैराबोलिकली, ये ना ये वाली वैल्यू √3/2 है। जब भी पावर इस तरीके की हो तो कैसा ग्राफ बनता है, पैराबोलिकली ग्राफ बनता है, राइट। तो ये ग्राफ इस तरीके से बना, इसकी वैल्यू आर मैक्सिमम की वैल्यू कहीं पे यहाँ पे होगी, जो कि किसके बराबर होगी, x = r/√2। अगर यहीं पे आपको नेगेटिव चार्ज मिल जाता, सॉरी ये मैंने सेंटर से नहीं स्टार्ट किया, मुझे ना रेड कलर मेरे स्क्रीन पे दिखता नहीं है, देखो। तो बस इस वाले को क्या करो, सेंटर से बना दो और तुम्हारा ग्राफ हमें मिल जाएगा, ये ना ये वाला ग्राफ, यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए नेगेटिव क्यू चार्ज होता तो यहाँ से ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जाती, मैक्सिमम वैल्यू कहीं यहाँ पे होती कितने, x = r/√2। तो यहाँ पे डैश डैश करके लिख दो, दिस इज ई मैक्स, और ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आर, और ये यहाँ पे ई की वैल्यू। चलो हाँ जी बोलिए दीपांशु। पॉइंट चार्ज के लिए गया ये, हाँ पॉइंट चार्ज के लिए है,
हाँ जी, ये जो आप लोगों ने अभी रिंग के लिए निकाला है उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का डायग्राम है, ठीक है। देखो आर, ये देखो ना जो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख रही है, ई किस पे वेरी कर रही है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो 3/2 की पावर है। तो 3/2 की जब पावर्स होती है तो कैसा ग्राफ आता है, पैराबोलिकली। एक्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके लिए अब ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिकली। तो ये वाला इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो ये है, तो ये इसका ग्राफ ये हो जाएगा। अगली क्लास में इस पे दो क्वेश्चंस मैंने नेक्स्ट दूसरे वाले बैच में तो करा दिए थे, तुम्हें रह गए हैं, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी इसे, तुम लोग देख लेना, सॉल्यूशन के साथ भेजूंगी। हो पा रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो पा रहा है तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम, गुड नाइट मैम, बाय एवरीवन, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड मैम। अगर डाउट होता है क्वेश्चन में तो कब पूछना है? हाँ बोलो, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? मतलब सेल्फ डाउट जब हम करते हैं तो मतलब डाउट आता है वो। अच्छा, किसी क्वेश्चन में सेल्फ डाउट आता है तो क्लास में जो टॉपिक्स चल रहे हैं ना, जैसे अभी मैंने कुलाम्स लॉ करा दिया, तो कुलाम्स लॉ का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। मैं हो सकता है पूरा सॉल्यूशन ना दे पाऊं तुम्हें, मैं तुम्हें हिंट दे दूंगी कि किस तरीके से तुम्हें अप्लाई करना है, ठीक है। ओके मैम, ओके, गुड नाइट एवरीवन, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, गुड नाइट मैम, बाय मैम, गुड नाइट।